हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए कोलकाता मेट्रो की तरफ से वैकेंसी निकली है, तो देखिए जो लोग भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी, तो कोलकाता रेल मेट्रो जो है उसकी तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली है मेल फीमेल 10th पास के लिए। ठीक है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो सब कोई लोगों को डाउट रहता है, देखिए इसमें तो फॉर्म अप्लाई हो जाता है आपका। फॉर्म अप्लाई होने के बाद क्या होता है कि कोई एग्जाम नहीं होता आपका, 10th में जो मार्क्स रहता है प्लस ITI में जो मार्क्स रहता है उसी पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो कैसे कैसे आपका आपका फॉर्म कब अप्लाई होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, मेरिट क्या होगा, सैलरी, सबको डाउट रहता है। आज तक किसी भी नोटिफिकेशन में ये नहीं दिया है कि आपको अप्रेंटिसशिप का सैलरी क्या मिलता है। ठीक है, तो आपको सैलरी के भी बारे में बताएंगे कि आपको सैलरी क्या मिलता है और इसमें कट ऑफ मतलब क्या जाता है, फुल डिटेल, आपका 10th में कितना परसेंट है तो अप्लाई करें, सब कुछ फुल डिटेल में इसमें बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कोलकाता मेट्रो रेल भवन अप्रेंटिसशिप वैकेंसी, तो अप्रेंटिसशिप वैकेंसी मालदा जोन की तरफ से सिकंदराबाद हर जोन रेलवे निकालती है, जिसमें कोलकाता रेल मेट्रो निकाली है। ठीक है, और इसमें परमानेंट जॉब भी होता है। इसमें जो परमानेंट जॉब होता है वो किस तरह से होता है वह भी आपको बताएंगे आखिरी में। ठीक है, परमानेंट जॉब किस तरह से होता है वह भी आपको आखिरी में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल पोस्ट जो निकला है कितना, 125 पोस्ट, कितना 125 पोस्ट, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फीटर की जो वैकेंसी है कितना, 81 फीटर की 81 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की 26 वैकेंसी है, कितना 26, मैकेनिस्ट की 9 और वेल्डर की 9। तो ठीक है, इसमें आपको क्या चाहिए, आपको 10th पास होना चाहिए। क्या आप अगर 10th पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आपका ITI होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज हम बता देते हैं आपको, जैसे कि ITI मान लीजिए फीटर है, तो फीटर में आपका 81 पोस्ट है, लेकिन आप फीटर में ITI नहीं किया, आप मैकेनिस्ट में किए। किसमें? मैकेनिस्ट में किए। ठीक है, तो आप मैकेनिस्ट के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं। अगर आपका मन है कि नहीं हम फीटर के लिए अप्लाई करें, तो फीटर के लिए अप्लाई, मतलब जो दो ट्रेड मैच करते हैं, जैसे कि देखिए आपका वेल्डर और मैकेनिस्ट मैच करता है, दोनों में आपको क्या रहता है, लोहा को मोड़ने का ही काम रहता है। वेल्डर में थोड़ा ज्यादा रहता है, वेल्डर में आपको वेल्डिंग वेल्डिंग सब करना पड़ता है, लेकिन अगर दो पोस्ट आपका ऐसा मैच करता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि प्लम्बर एक ऐसा पोस्ट है, प्लम्बर एक ऐसा पोस्ट है कि जिसमें आपका इलेक्ट्रीशियन भी अप्लाई कर देता है कभी कभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये टोटल 125 पोस्ट हो गया एज, लेकिन आपको क्या करना है, देखिए ऐसा लोग करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आप फिटर से किए तो फिटर में अप्लाई कीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन से किए तो इलेक्ट्रीशियन से कीजिएगा, मैकेनिस्ट से किए तो इसी में कीजिएगा, वेल्डर से किए तो इसी में कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखना है एज आपका 15 से 24 साल है जनरल वालों के लिए। ठीक है, ओबीसी को 3 साल का सिलेक्शन है, 24 25 26 27 ओबीसी का, 15 से 27 साल, और SC ST का आपका और बढ़ जाएगा। ठीक है, 15 से कितना 30 साल तक के लिए हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की बात करें तो क्या है, 6 मार्च। किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि कोलकाता से अगर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकलती है तो बताइएगा, तो देखिए हम बता चुके हैं ये आपको, कोलकाता से जो निकली है फॉर्म जो अप्लाई होगा वो ऑफलाइन होगा। डरिए मत, ऑफलाइन कैसे होगा बताते हैं। इसमें आपका क्वालिफिकेशन बता दिया है, फॉर्म अप्लाई बता दिया है कि लास्ट आपका 6 मार्च तक हो रहा है। मेरिट कैसे बनता है पहले ये बताते हैं, उसके बाद बताएंगे कि फॉर्म ऑफलाइन अप्लाई कैसे होगा। देखिए इसमें जो मेरिट बनता है ना, आपका 10th का मार्क्स, मान लीजिए 10th में आपको कितना आया, 70%, कितना 70%, और आपको ITI में, किसमें ITI में कितना आया, NCVT में 80%, कितना 80%, दोनों को प्लस करके बाय 2 करना है। क्यों? क्योंकि इसका एवरेज निकालता है वो लोग, इसी तरह आपका मार्क्स को निकालता है। आपका तो कोई एग्जाम होता नहीं है, जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो दोनों का मार्क्स को अपलोड करते हैं, दोनों का मार्क्स को ऐड करता है, बाय 2 करता है, यहाँ आपका कितना आ गया 75%, और इसी पर आपका सिलेक्शन होता है, इसी पर आपका सिलेक्शन होता है। तो जिन भी बच्चों का 60% से कितना है, 60% से ऊपर है, किसमें 10th में, किसमें 10th में, तो बेझिझक अप्लाई कीजिए, 100% उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब बात करें आपकी सैलरी की, किसकी सैलरी की, सैलरी क्या होता है, तो सैलरी देखिए स्टिपेंड मिलता है आपको। क्या मिलता है, स्टिपेंड, मतलब कि एक रहने खाने का खर्च मिलता है जो आप ट्रेनिंग करते हैं, तो उस समय आपको मिलता है करीब 7000 के आसपास, कितना 7000 के आसपास। लेकिन जैसे आप ये आप एक साल या दो साल का जो भी होता है कंप्लीट कर लीजिएगा, तो उसके बाद आपको क्या होता है, डायरेक्टली आप वहाँ, मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितने 125 बच्चे हैं, कितने 125 बच्चे, तो इसमें से बोला जाता है ना कि 25 बच्चे को परमानेंट कर दो, क्या करो 25 बच्चे को परमानेंट कर दो, उनकी सैलरी क्या कर दो 18000, क्या कर दो 18000, इसी के द्वारा रहता है परमानेंट जॉब लेने का मौका। ठीक है, जो बच्चे 25 बच्चे 125 में से जो 25 बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं, उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलने का 100% चांस रहता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, आप ऑफलाइन फॉर्म के बारे में बताए, तो अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं कैसे भरना है, तो नीचे कॉमेंट कीजिएगा, जो जो कॉमेंट करेंगे तो हम, अगर ज्यादा कॉमेंट आएगा तो हम बताएंगे कि आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।